वो एक नहीं जो बेआबरू हुई, क्या हम सबकी रूह बेजार नहीं? वो जो लुटी सरे बाजार आज, क्या वो इज्जत की हकदार नहीं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। ये पंक्तियां उन्नाव केस की पीड़िता पर सही बैठती है। जिस तरह बहादुरी से सत्ता की बाहुबली के खिलाफ उन्नाव केस की पीड़िता ने आवाज बुलंद की है, उन्नाव केस में जिसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, उसके खिलाफ उन्नाव से लेकर सीएम ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट तक जिस बहादुरी के साथ वो पीड़िता लड़ी है, उसके जज्बे को लाइव खबर सलाम करता है। लाइव खबर के खास प्रोग्राम में आज हम आपको उन्नाव केस की बहादुरी पीड़िता की पूरी कहानी बताएंगे। देखिए पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। उन्नाव की सरहद में दाखिल होते ही बच्चे बच्चे की जुबान पर कुलदीप सिंह सेंगर का नाम यूं ही नहीं छाया रहता है। सरकारी ठेके से लेकर शहर के साइकिल स्टैंडों के ठेके तक पर विधायक और उनके गुर्गों का कब्जा आश्चर्य की बात नहीं। उन्नाव के किंग के खिलाफ जिस बहादुरी से आवाज बुलंद की है, इससे यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत की बच्चियों के लिए एक मिसाल पेश की है। कुलदीप सेंगर के गुर्गे कहीं ना कहीं मौका मिलते ही परिवार को डराने से बाज नहीं आ रहे थे। विधायक की दबंगई और प्रभाव का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पीड़ित परिवार के घर पर 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। जिस प्रकार पहले पापा को खोया, फिर चाचा को जेल हुई, उसके बाद चाची मौसी की सड़क हादसे में मौत हुई, लेकिन फिर भी बहादुर पीड़िता ने हार नहीं मानी। उस पीड़िता ने उन्नाव से लेकर सीएम ऑफिस तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे वो अपने आप में एक बहादुरी की मिसाल है। जी सर, इनको बचाया जाता है सर, बस और कुछ नहीं जानते हो। हर सवालों सवाल के ऊपर मेरी दादी को मारा जा रहा, मेरे पिता की हत्या कर दी जा रही है, उसके बाद भी बता रहे हैं, उसका अतुल खुद बयान कर रहा है, इनको प्रसाद दे रहे हैं और उसके बाद जो है बता रहे हैं सर कि दूसरे लोग मारे हैं, ये कहाँ का न्याय है सर? हम कुछ नहीं जानते हैं सर, बस अब हमसे कोई सवाल या सरकार ना पूछे। बेटी की तबीयत, हम परसों तो नहीं बेटी को देखे हैं, कहते हैं जाओ जाओ जाओ, अभी नहीं दिखाएंगे। और जब देखी थी तो कैसी लग रही थी? देखेंगे तब, तभी वो ऐसी लगती थी, आंखी वाँखी नहीं खुली थी, न बात नहीं करती, तो क्या जाने ठीक होगी नहीं ठीक होगी, हाँ कौन भरोसा, भगवान जाने। आपका कभी मन ये किया कि इस सब में पढ़ते ही नहीं, ये सब शिकायत करते ही नहीं? तो मैडम, हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तभी हमको परेशान करेंगे, छोड़ेंगे तो। फिलहाल आज की न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव खबर।